हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वाह महाराज वाह, आप धन्य हैं। आपका धर्म के प्रति लगाव देखकर सबको प्रेरणा मिलती है। महाराज और महारानी का राजमहल तो भव्य मंदिर बनकर रह गया है। आज पूजा है तो कल यज्ञ और कभी महायज्ञ। धर्म का पालन सीखना हो तो धर्म प्रेमियों को राजा रत्नाकर से सीख लेनी चाहिए। महाराज की धर्म में रुचि और उनके धर्मबद्ध होने के कारण ही देवी वैष्णो ने महाराज के यहाँ जन्म लिया है। समूढमस्य पांगुं सुरेश्वाहा। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो बलि चढ़ाई जाए। रुक जाओ, ये बलि नहीं होगी। ये क्या कह रही हो वैष्णो, बलि नहीं होगी? हाँ पिताश्री, ये बलि नहीं होगी। परंतु ये तो परंपरा, मान्यता और प्रथा है। क्षमा करें गुरुदेव, परंपराएं और मान्यताएं तो चलती रहती हैं। अनुचित परंपराएं और मान्यताएं अधिक मान्यता पाती हैं। परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उन्हें उचित मानकर उन्हें स्वीकार कर लें। परंतु शास्त्रों में आया है कि बलि देने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता तो श्रद्धा से चढ़ाए गए केवल एक फूल, एक पंखुड़ी से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और श्रद्धा से बहाए हुए केवल एक आंसू में समस्त दिव्य लोक डूब कर तृप्त हो जाता है। तो क्या बलि चढ़ाना अनुचित है? बलि चढ़ाने के लिए रक्त ही बहाया जाए यह आवश्यक नहीं है। किसी भी प्राणी का बलिदान ईश्वर को इतना प्यारा नहीं है। गुरुदेव, जितना श्रद्धालुओं की भावनाओं का समर्पण है, और सबसे अप्रिय बलि तो मानव रक्त बहाकर दी गई हुई बलि है।